हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक्स अंडर 70,000 इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में ऐसी कौन सी बाइक है जो 70,000 के आसपास में है, जिसका मेंटेनेंस कम है, बजट फ्रेंडली है, पार्ट कॉस्ट इजी होता है, इंडियन रोड्स के लिए बनी हुई है, बहुत सारी बाइक्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड चलिए जल्दी जानते हैं वो कौन सी है टॉप 10 बाइक्स। दोस्तों, 10 नंबर पे है होंडा का ड्रीम नियो। दोस्तों, होंडा जो है बेस्ट इंजन के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इसकी साइन जो है बहुत ज़्यादा सेल होती है एंड दोस्तों ये जो मॉडल है नियो बहुत ही सिंपल लुक में दिया गया है एंड इंडियन रोड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 109.19 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है जो कि एयर कूल इंजन है, 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन इसके अंदर आ रहा है। मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है 8.31 bhp का पावर प्रोड्यूस कर रहा है एंड जो टॉर्क है 909 NM का टॉक है। दोस्तों, फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही आपको उसमें ड्रम मिलने वाले हैं। 85 km/h के आसपास के एवरेज दे रहा है, मतलब ऑन रोड अगर लेके चले तो 70 के आसपास तो मिनिमम देने वाला ही है। इसका वेट भी बहुत लाइट है, 110 किलो के आसपास की बाइक पड़ती है। जो इसका प्राइस रहने वाला है वो है 52,000 के आसपास में। ये दिल्ली के आसपास का एक्शन प्राइस है। थोड़ा बहुत एक्शन प्राइस जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे सिमिलर ही होता है। इसके ऊपर RTO इंश्योरेंस और एसेसरीज और बाकी चीज़ें ऐड होती हैं। दोस्तों, अगर आप इस मॉडल के प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जब बाइक ले रहे हो तो ध्यान में देना चाहिए। दोस्तों, प्रोज है इसमें अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, लॉन्ग सीट मिल रही है, मेंटेनेंस बैटरी मतलब मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल रही है जो कि ड्राई बैटरी होती है। एंड दोस्तों, कॉन्स में आप देख रहे हैं सामने आपको दिखा होगा लिमिटेड कलर ऑप्शंस, पर कलर ऑप्शंस बहुत ही कम है। एंड दोस्तों, दूसरे जो वेरिएंट्स उसका कॉस्ट जो है वो भी थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों, 9 नंबर पे आता है स्प्लेंडर प्लस i3s मॉडल। हीरो की जो मॉडल है दोस्तों, एक टाइम पर राज करता था, हर दूसरा तीसरा जो मॉडल था वो स्प्लेंडर ही होता था। ये इसका एडवांस वर्जन है। दोस्तों, अगर इसके स्पेसिफिकेशन डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंजन जो है इसमें 97.2 सीसी का इंजन आ रहा है। इसके अंदर एयर कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन इसके अंदर फॉर्मेट है। दोस्तों, इसमें जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है 8.36 PS का पावर है, टॉर्क जो है 8.05 Nm का टॉर्क है। ब्रेक आगे और पीछे दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। दोस्तों, कंपनी जो बोल रही है 81 km/h के आसपास में इसका माइलेज एवरेज बोल रही है, 65-70 के आसपास में आराम से देती है। वेट जो है 110 किलो के आसपास में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो प्राइसिंग है 52,000 to 55,000 के आसपास में ही घूमता रहता है अलग अलग सिटीज में। आपको इसका एक्चुअल प्राइस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में देख लेते हैं कि इसमें डिटेल्स क्या है। दोस्तों, इसमें प्रोज जो है वो है फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली हुई है जो कि i3s है। सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है इसमें, अलॉय व्हील मिल रहा है आपको, ट्यूबलेस मिल रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया। दोस्तों, कॉन्स की अगर बात करें तो डिजाइन में उतना चेंजेस नहीं किया। जो आप डिजाइन देख रहे हैं सालों से यही डिजाइन आ रहा है, इसी में छोटे मोटे चेंजेस मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो यही चीज़ है, थोड़ा सा अभी इसमें कुछ चेंजेस लाने योग्य थे या तो फिर बहुत पुराना जब ओल्ड मॉडल था वैसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है कॉन्स। दोस्तों, 8 नंबर पे है TVS रेडॉन 110 cc मॉडल एंड ये मॉडल जो है इसका लुक जो है थोड़ा सा एकदम बेसिक CD100 जैसा और स्प्लेंडर जैसा एक कॉम्बिनेशन टाइप का है ना, वैसा लुक लगता है। एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल भी हो रहा है अभी, इसीलिए इसको 8 नंबर पर रखा है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन और डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों, इंजन जो आ रहा है इसके अंदर 109.7 cc का इंजन आ रहा है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन, एयर कूल इंजन इसके अंदर आ रहा है। दोस्तों, पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है 8.4 PS का है एंड टॉर्क जो है 8.7 का है और फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही आपको ड्रम मिल रहा है। इसमें डिस्क के वेरिएंट भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम है। दोस्तों, इसमें 70 के आसपास में इसमें आपको माइलेज मिल रही है एंड सिटी में अगर आप देखेंगे तो 60 के आसपास में आराम से निकाल देंगे। 112 किलो के आसपास का वेट है, 52,000 to 53,000 के आसपास में इसका एक्चुअल प्राइस है। दोस्तों, ये तो हो गया डिटेल ने और स्पेसिफिकेशन। अगर प्रो एंड कॉन्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स जो है वो बहुत ही कम है। तो प्रोज जो आपको देखने में फ्रंट डिस्क के ऑप्शन मिल रहा है, क्रोम रेयर व्यू मिरर मिल रहा है, दोस्तों LED DRL मिल रहा है, 18 इंच का व्हील मिल रहा है, USB चार्जर स्पॉट मिल रहा है, दोस्तों सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है। ये प्रोज की लिस्ट तो लंबी है और उसके बाद जो मेन इशू है ना वो है ब्रेकिंग को लेके। दोस्तों, जो फ्रंट डिस्क है ना उसका स्मॉल साइज है, इसकी वजह से ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं है, यही है इसका कॉन्स। दोस्तों, 7 नंबर पे ग्रिप बना रखा है होंडा के लीवो ने। लीवो का जो लुक है वो थोड़ा सा एडवांस और अट्रैक्टिव लुक लगता है, थोड़ा प्लास्टिक पार्ट जो है ना वो थोड़ा ज्यादा ऐड किया हुआ है, लुक अट्रैक्टिव भी लग रहा है। दोस्तों, इसका ग्लैमर जैसा थोड़ा हल्का सा लुक लग रहा है, बट अगर इसके प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल्स की अगर बात करें तो इसका जो इंजन आता है दोस्तों
वो आता है 109.19 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन जो होंडा यूज करती है। पावर अगर बात करें तो 8.30 BHP पावर प्रोड्यूस कर रही है। टॉर्क जो है वो 909 Nm का टॉर्क है दोस्तों। इसमें ड्रम ड्रम का भी है कॉम्बिनेशन और डिस्क ड्रम का भी कॉम्बिनेशन इसको मिल जाएगा वो ब्रेकिंग में। माइलेज की बात करें तो 74 KMPL के आसपास बोल रही है कंपनी, आराम से 65 के आसपास में आपको सिटी में दे देगी। अगर वेट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें दो वेट दिए हुए हैं, 110 के आसपास जो है ड्रम ड्रम का है एंड जो डिस्क ड्रम का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 1.14 के आसपास में इसमें दे रखा है। प्राइसिंग थोड़ा सा हाई कर दिया गया है, 57.500 के आसपास बोल सकते हैं एक्चुअल प्राइस है इसका। एंड अब जान लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों प्रोज बहुत सारे हैं, जैसे इसमें डिस्क ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें दोस्तों CBS भी है। और दोस्तों इसमें आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलती है, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाते हैं। एंड दोस्तों कॉन्स की बात करें तो सिंगल कॉन है कि इस सेगमेंट में दोस्तों कॉन्स जो है थोड़ा इंक्रीज किया है बिकॉज ऑफ स्टाइल एंड लुक। दोस्तों ये एक ही कॉन है मात्र, बाकी सारी जो बाइक है परफेक्ट है। तो 6 नंबर पे आता है हीरो पैशन एक्स प्रो 110 cc मॉडल। इन मॉडल को तो मैंने भी राइड किया हुआ है बहुत पहले, जब 2009-2010 के आसपास जो मॉडल आता था ना, जो थोड़ा हैवी आता था तो इसका लुक थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। सो सेम मॉडल किया है, मॉडल राइड किया हुआ। अगर इसके डिटेलिंग और प्राइसिंग की बात किया है तो दोस्तों इसका जो पावर आता है 109.15 cc का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल फोर स्ट्रोक इंजन इसके अंदर आता है। इसका पावर अगर बात करें तो पावर ज्यादा है कंपेयर टू दिस सेगमेंट दोस्तों, 9.38 HP का पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 9 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। डिस्क ड्रम 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 का भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर है दोस्तों। माइलेज थोड़ा रिड्यूस हो गया है, 64 KMPL के आसपास में कंपनी बोल रही है, 55 to 60 के आसपास में आपको इजीली सिटी मिल जाएगा। 120 किलो के आसपास का वेट है, वेट थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है, रेट भी थोड़ा इंक्रीज है दोस्तों। इसका जो प्राइसिंग आ रहा है 58,000 के आसपास में एक्स शोरूम प्राइस कहा जा रहा है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके प्रोज एंड कॉन्स की जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, प्रोज इसमें अगेन बहुत सारे हैं। इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ऑप्शन भी है i3s टेक्नोलॉजी में जिससे माइलेज इंक्रीज होती है। दोस्तों कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स उतने ज्यादा मतलब नहीं है, एक जो पॉइंट है थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस जो है उसके लेकर फिंगर पॉइंटिंग की गई है और टैंक को लेकर फिंगर पॉइंटिंग की है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर। दोस्तों 5th नंबर पे है हीरो स्प्लेंडर 125 cc मॉडल। एंड ये मॉडल अगेन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है और आपको रोड पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा भी दोस्तों। अगर इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों इसका स्पेसिफिकेशन 124.7 cc का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल इंजन आता है, 9 BHP का पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क जो है 10.35 Nm का है दोस्तों। ब्रेकिंग जो है इसमें आपको आपको दोनों में ही डम ब्रेक्स मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। माइलेज 60 के आसपास मिल रहा है, 55 के आसपास आराम से देती है। 125 kg के आसपास बाइक है, 60,000 के आसपास का इसका एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों। मेन चीज थोड़ा सा हैवी है और पावर थोड़ा इंक्रीज है, बट अगेन पावर डिलीवरी उतना ज्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, 125 cc का इंजन मिल रहा है, लो एंड टॉर्क अच्छा है, इंजन मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल रहा है, ट्यूबलेस मिल रहा है, अलॉय मिल रहा है, तो ये सब चीजें अच्छी हैं। अगेन हीरो को लेके ओल्ड डिजाइन और डिस्क ऑप्शन जो है ना उसको लेके थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है, अदरवाइज ये मॉडल ठीक ठाक है। दोस्तों 4th नंबर पे है बजाज डिस्कवर 125 cc मॉडल। एंड डिस्कवर में बहुत सारे अपग्रेडेशन चेंजेस लुक को लेके, इंजन को लेके, फीचर्स को लेके बहुत सारे अपग्रेडेशन किए गए हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस जो है बजाज का बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट फिर भी देख लेते हैं जल्दी से इसका प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन। प्राइसिंग के अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 124.5 cc का इंजन आ रहा है, सिंगल सिलेंडर इंजन एयर कूल फोर स्ट्रोक इंजन आपको मिलेगा, 11 PS का पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 11 Nm का ही टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब दोनों ही जो है ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं दोस्तों, एक आपको डिस्क एंड ड्रम का और ड्रम एंड ड्रम का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिल रहा है। जो माइलेज कहा जा रहा है 81 KMPL के आसपास कह रहा है, बट इसका जो माइलेज आपको 70 मतलब मान के चलिए कि 60 to 70 के आसपास मिलता है, उससे ज़्यादा आपको सिटी में नहीं मिलेगा। इसके प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 58,000 के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस है इसका। अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो 125 cc का इंजन आ रहा है, LED DRL मिल रहा है, डिजिटल कंसोल मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील्स के साथ ही मिल रहा है दोस्तों। डिजाइन जो अगेन बोलूंगा इसमें बहुत सारे चेंजेस तो बहुत सारे कर दिए हैं, अपग्रेडेशन बहुत सारे कर दिए हैं, अगेन डिजाइन बहुत ही ओल्ड है। और बिल्ड क्वालिटी को लेकर जैसे मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस इस मॉडल के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने फिंगर पॉइंटिंग की हुई है।
तो थर्ड नंबर पे है होंडा सीबी साइन 125 सीसी एसपी मॉडल। एंड ये मॉडल जो है होंडा को बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराने वाला मॉडल है, बहुत ज्यादा मार्केट जो है ग्रोथ किया है इस मॉडल के बाद में। एंड दोस्तों अगर प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये मॉडल जो है 124.73 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन जो कि होंडा यूज करती है। एंड दोस्तों इसका पावर की बात की जाए 10.16 HP का पावर है एंड टॉर्क जो है 10.30 का है। एंड दोस्तों ब्रेकिंग में इसमें आपको ड्रम ड्रिस्क और डिस्क ड्रम का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। माइलेज थोड़ी कम है 125 सीसी के हिसाब से एंड 260 के आसपास माइलेज तो देती ही देती है होंडा। एंड दोस्तों इसके वेट की अगर बात की जाए तो 1.5 kg के आसपास में अप्रॉक्स मिल जाएगा। प्राइसिंग जो है इस सेगमेंट के हिसाब से हाई है दोस्तों 66,000 के आसपास में इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो इसके प्रोज अच्छे हैं, 125 सीसी का स्प्लिट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, फाइव स्पीड गियर्स मिल रहे हैं आपको इसमें, कॉम्बी ब्रेक मिल रहा है CBS जिसको कहा जा रहा है, ट्यूबलेस टायर के साथ मिल रही है। अगेन कॉन्स जो है जैसे मैंने बताया कि इसका जो प्राइसिंग है वो तो हाई है बिकॉज डिमांड की वजह से एंड LEDs नहीं है दोस्तों। दोस्तों सेकंड नंबर पे आ रहा है हीरो का ग्लैमर मॉडल। एंड ये मॉडल का लुक भी अगेन बहुत सारी कंपनीज ने कॉपी किया हुआ है। ये बहुत ही पुराना मॉडल है, लुक जो है थोड़ा सा हल्का स्पोर्टी आपको मिलता है, जो बैक सीट है थोड़ा सा अपर साइड में है, थोड़ा स्पोर्टी लुक इसकी वजह से लेकिन मिलता है। चलिए प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन देखते हैं। 124.7 सीसी का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन 4 स्ट्रोक इंजन आपको इधर मिल जाता है, 11.5 BHP पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 11 Nm का टॉर्क है दोस्तों। इसमें आपको डिस्क एंड ड्रम का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 65 km/h के आसपास माइलेज मिल जाती है, 125 kg के आसपास में बाइक है, 63,000 के आसपास में एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों। मेन चीज इसके बता दो ना, माइलेज आपको अच्छा देती है, 60 के आसपास में माइलेज तो आराम से मिल जाएगा, वेट भी नॉर्मल है एंड पावर जो है इस सेगमेंट में अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क भी आपको अच्छा दे रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। एंड चलिए जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों उसमें IBS इसमें टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग के लिए जो कि आपको अच्छी ब्रेकिंग ग्रिपिंग देती है, 125 सीसी का इंजन मिल रहा है, डिस्क ब्रेक ऑप्शन है, ट्यूबलेस टायर और यूनिक डिजाइन, डिजाइन की जैसे बात की थोड़ा सा डिजाइन जो लुक है वो अच्छा किया है। बट इसमें कौन सी है कि दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम, अगेन ब्रेकिंग सिस्टम पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, अगेन इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है, इसको 5 स्पीड गियर बॉक्स करना चाहिए था, लो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके अंदर है। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बजाज पल्सर 125 सीसी मॉडल एंड बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल है दोस्तों। जो पुराना मॉडल था 125 सीसी का, उसके बाद अपग्रेड करने के बाद जो बजाज ने इस मॉडल को यंगस्टर्स के लिए बनाया हुआ है बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है दोस्तों। प्राइस एंड डिटेल की बात कर लेते हैं इसके, तो 124.4 सीसी का इंजन आ रहा है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, ट्विन स्पार्क एयर कूल इंजन आ रहा है दोस्तों। ट्विन स्पार्क देख रहे हैं आप, इस प्राइस सेगमेंट में आपको अच्छा मिल रहा है दोस्तों। 12 PS का पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 11 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है, और जो फ्रंट रेयर जो डिस्क एंड ड्रम का कॉम्बिनेशन है वो आपको मिल जाएगा, 57 जो एवरेज है, तो माइलेज है वो थोड़ा कम मिल रही है, 57 कम नहीं बोल रही है बट 50 के आसपास के ही माइलेज रखेगा, वेट थोड़ा ज्यादा है, 140 kg के आसपास बाइक बढ़ रहा है इस सेगमेंट में दोस्तों। जो ड्रम है उसका प्राइस जो है 63,000 के आसपास में, और डिस्क जो है उसका 66 के आसपास में एक्सोरूम प्राइस आपको मिल जाएगा। एंड प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात कर लें तो दोस्तों पावरफुल इंजन मिल रहा है, पहले तो आपको स्पोर्टी डिजाइन लुक मिल रहा है, न्यू कलर पेंट्स मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, लुक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, अगेन बोल रहा हूँ यंगस्टर्स के लिए मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ। बट इसमें थोड़ा सा कॉन्स भी है दैट LED नहीं है और कलर ऑप्शन ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, बाकी तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ऊपर नीचे। बट मेरा टोटली थम्स अप इस बजाज पल्सर को लेके, 125 सीसी मॉडल को लेके। आई होप आपको ये टॉप 10 लिस्ट बहुत ज्यादा पसंद आई होगी।